स्पोर्ट्स की छोटी बड़ी न्यूज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2021 का चौथा मैच राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच 12 अप्रैल को शाम 7:30 पर मुंबई के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस मैच के लिए इन दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप भी मेरी तरह आईपीएल के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, बात करें इन दोनों टीमों की तो आईपीएल में अभी तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 21 बार आमना सामना हो चुका है, जिसमें राजस्थान की टीम ने 12 मैच जीते हैं, वहीं पंजाब की टीम 9 मुकाबले जीत पाई है। दोस्तों, राजस्थान की टीम एक बार आईपीएल की ट्रॉफी पर भी कब्जा कर पाई है, वहीं पंजाब की टीम को अभी भी अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी का इंतजार है। दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2021 के लिए इन दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में कि किसकी प्लेइंग 11 खतरनाक और मजबूत दिख रही है। दोस्तों, पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। दोस्तों, राजस्थान की प्लेइंग 11 की बात करें तो उनकी तरफ से नंबर एक पर बल्लेबाजी करने आएंगे जोस बटलर, नंबर दो पर होंगे मनन बोरा, नंबर तीन पर होंगे कप्तान संजू सैमसन, नंबर चार पर होंगे बेन स्टोक्स, नंबर पाँच पर होंगे रियान पराग, नंबर छः पर होंगे शिवम दुबे, नंबर सात पर होंगे राहुल तबतिया, नंबर आठ पर होंगे क्रिस मॉरिस, नंबर नौ पर एंड्रयू टाई हो सकते हैं, नंबर दस पर होंगे सुरेश गोपाल, नंबर ग्यारह पर होंगे कार्तिक त्यागी। दोस्तों, इस प्रकार की शक्ति है राजस्थान की प्लेइंग 11। दोस्तों, अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 की। दोस्तों, पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो उनकी तरफ से नंबर एक पर बल्लेबाजी उतरेंगे कप्तान के राहुल, नंबर दो पर होंगे माइक अग्रवाल, नंबर तीन पर डेविड मिलान हो सकते हैं, नंबर चार पर होंगे निकोलस पुरन, नंबर पाँच पर होंगे दीपक हुड्डा, नंबर छः पर होंगे शाहरुख खान, नंबर सात पर होंगे मोसेस हेनरिक्स, नंबर आठ पर होंगे रवि बिश्नोई, नंबर नौ पर होंगे मुर्गन अश्विन, नंबर दस पर होंगे जे रिचर्डसन और नंबर ग्यारह पर होंगे मोहम्मद शमी। दोस्तों, इस प्रकार की शक्ति है पंजाब की प्लेइंग 11। तो दोस्तों, आपके अनुसार इन दोनों टीमों में से किसकी प्लेइंग 11 खतरनाक और मजबूत है और किस खिलाड़ी को इस टीम में मौका मिल सकता है, अपनी राय हमें जरूर दें और आपके अनुसार कौन सी टीम ये मैच जीतेगी ये भी जरूर बताएं। और स्पोर्ट्स की छोटी बड़ी न्यूज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।